पेड़ पौधे भी हमारी तरह सजीव हैं, वो भी सोते जाते हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। पर कौन सी चीजें सजीव हैं और कौन सी चीजें निर्जीव, ये तो बड़ा मजेदार विषय है। चलो पता लगाता हूँ। सजीव वस्तु अपने आप चलती है, सजीव वस्तु अपने आप बढ़ती है, सजीव वस्तु को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता है, सजीव वस्तु अपने जैसे संतान पैदा करती है, सजीव वस्तु में उद्दीपन की अनुक्रिया होती है। मैंने सजीव निर्जीव के गुण अपनी इस कॉपी में लिख लिए हैं, पर मेरे आसपास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें सजीव कौन और निर्जीव कौन, ये मुझे पता लगाना होगा। ये पत्थर अपने आप नहीं चला, मैंने जब इसे फेंका तब चला। पत्थर सजीव निर्जीव, ये हो क्या सकता है? अपने आप नहीं चला इसलिए ये पत्थर निर्जीव है। और कौन कौन सी चीजें निर्जीव हो सकती हैं? मैं तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ। देखो मैं उड़ रही हूँ, क्या मैं सजीव हूँ? तुम तो हवा के प्रभाव से उड़ रही हो, तुम्हें भोजन पानी की भी आवश्यकता नहीं और तुम बढ़ती भी नहीं, इसलिए तुम निर्जीव हो। तुम सजीव हो, तुम भी अपने आप चलते हो, तुम्हें भी हवा पानी और भोजन की आवश्यकता है, इसलिए तुम सजीव हो। तुम्हारी तरह और भी है, मैं सोचता हूँ।
सजीव वस्तु अपने आप चलती है, पर पेड़ पौधे तो कभी नहीं चलते। और किताब में लिखा था कि पेड़ पौधे सोते हैं, जागते हैं। मैं लिखूं क्या? सजीव नहीं। सोनू, हाँ हाँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। मुझे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। मैं अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ। मेरे शरीर के कुछ अंग गति भी करते हैं, जैसे ये भी एक तरह की गति है, फूलों का खिलना और बंद होना। मेरे और भी सजीव गुण हैं। हाँ हाँ, समझा। तुम्हें भी हवा पानी की आवश्यकता है। तुम भी एक छोटे से पौधे से बहुत बड़े वृक्ष बनते हो, मतलब कि बढ़ते हो। पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने जैसे पौधे उत्पन्न कर सकते हो? सुनो, क्या तुमने नहीं देखा? मेरे बीज से नए पौधे निकलते हैं। और हाँ, कुछ पौधों में कुछ भाग या कोई अंग भी अपने जैसा पौधा बना सकता है। सजीव वस्तुओं के कुछ गुण तो मैंने जान लिए और देखे भी हैं, लेकिन मुझे ये गुण समझ नहीं आ रहा कि सजीव वस्तुओं में उद्दीपन की अनुक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? कैसे पता लगाऊं? क्या करूं? हाँ, दीदी से चलकर पूछता हूँ। दीदी, दीदी। क्या है सोनू? दीदी, मैं सुबह से खोज कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें सजीव है और कौन कौन सी चीजें निर्जीव। मैंने एक पुस्तक में पढ़कर सजीव और निर्जीव के गुण अपनी इस कॉपी में लिख लिए हैं। लाओ, पर पहले वो दूध का ग्लास तो पकड़ो। सही, बहुत गर्म है। अरे वाह सोनू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूचियाँ बनाई, उनके गुण भी लिखे हैं। पर अब तुम परेशान क्यों हो? दीदी, पुस्तक में ये भी लिखा था कि सजीव वस्तुओं में उद्दीपन की अनुक्रिया भी होती है। अच्छा, तो ये बात है, अभी बताती हूँ। जीव जंतु प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, गर्मी और सर्दी की ओर प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वो कैसे? देखो, जब तुमने बर्फ को छुआ तो तुम्हें वो ठंडी लगी और तुमने उसे एकदम से छोड़ दिया, ये तुम्हारी प्रतिक्रिया थी। लेकिन वही बर्फ गिलास में रखने से गिलास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसका मतलब कि वो निर्जीव है। ऐसे ही जब तुमने गर्म दूध के गिलास को छुआ तो तुम्हें वो गर्म लगा और तुमने एकदम से हाथ हटा लिया। लेकिन वही गिलास जब मेज पर रखा तो मेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसका मतलब कि वो निर्जीव है। ऐसे ही तुम्हारा चुटकी काटना उद्दीपन था और मेरा एकदम से हाथ हटाना मेरी प्रतिक्रिया। अब समझा। तब तो दीदी, पशु पक्षी भी प्रतिक्रिया करते होंगे, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह सजीव है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम किसी बिल्ली के आगे गर्म दूध रखोगे तो वो उसे कभी नहीं पिएगी, क्योंकि वह गर्म है तो वो उसकी ओर प्रतिक्रिया दिखाएगी और उसे नहीं पिएगी। ऐसे ही किसी भी जानवर ले लो, जैसे कि कोई भी कुत्ता, अगर तुम उसके आगे ध्वनि करो तो या तो वो चौंक जाएगा या फिर डर के भाग जाएगा, ये उसकी प्रतिक्रिया है। दीदी, क्या पेड़ पौधों में भी प्रतिक्रिया होती है?
तुमने लाजवंती का पौधा तो देखा ही होगा। हाँ, जब मैंने उसकी पत्तियों को छुआ तो उसकी पत्तियां सिकुड़ गई। तो देखो, तुम्हारा उन पत्तियों को छूना उद्दीपन था और पत्तियों का एकदम से मुरझा जाना उनकी प्रतिक्रिया थी। ऐसे ही सूरजमुखी का पौधा प्रकाश की ओर मुड़ता है। चलो मैं तुम्हें एक प्रयोग करके बताती हूँ। देखो सोनू, हमने दो ये पौधे लिए हैं जो कि बराबर हैं, और हमने ये डब्बा बनाया है जो चारों तरफ से बंद है और इसमें हमने छेद कर दिया है। अब हम इस डब्बे को एक पौधे के ऊपर रख देंगे और दूसरे को खुला छोड़ देंगे। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे और इसमें पानी डालते रहेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो चलो। चलो दीदी, चलकर देखते हैं पौधा कितना बड़ा हुआ है। आओ चलो देखते हैं। चलो उनसे हटा के देखते हैं। दीदी, ये तो छेद की तरफ मुड़ गया, पर कैसे? इस डब्बे में जो हमने छेद किया था वहां से प्रकाश अंदर आ रहा था और ये पौधा उसकी ओर मुड़ गया। ये उसकी प्रकाश की तरफ प्रतिक्रिया थी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि सजीव वस्तुएं प्रकाश के प्रति, ध्वनि के प्रति, तापक्रम, कंपन, स्वाद, स्पर्श आदि के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये सब गुण मैं अपनी कॉपी में जाके लिख लूंगा। Thank you.